जब यहाँ आया ना शेर ढाकती उनके पीछे कभी काला ढाकर जाते थे लोग वैसे भेली वगैरह थोड़ा उनके पीछे आया वो ढकरियों के साथ आया ढकरियों के और वो उसने यहाँ किल कर दिया। ये मुरलीधर है, मुरलीधर का चाचा ताऊ मारा था उसने वो इसी सोत में वो हुआ दिकाले से आया वो ढक दी उनके पीछे वो था लागू और वो लागू था वो गया पैर देखी उनके आदमी की उधर वो वही चला गया और वो नीचे जमीन में काट रहे थे घास उसने दबा दिया वही उसने तो बहुत आदमियों को मारा। फिर बुलाया गया कार्बेट साहब को तब कार्बेट आया उन्होंने दोबारा गोली जब मारी उसको तो उससे तो ठंडा हो गया। फिर वो दूसरी फायर सुनकर गांव वाले गए और गांव वाले लाए उसको लट्ठों पर बांध के। तो आप थे उस वक्त? हम छोटे छोटे थे लेकिन देख रहे थे तो लाठी जैसे हमने भी मारा उसको शेर को कार्बेट आया तो कार्बेट ने कभी कांडा बंगला में रहा कभी गांव में ही रहता था ऐसी बात नहीं थी वो भेदभाव कुछ नहीं करता था बस ना बंगला में छा रहा था रहा ही नहीं था। अच्छे आदमी थे रात भर बहुत अच्छा आदमी था कार्बेट रात भर गांव में हल्द्वानी में तो इनका हल्द्वानी से वाली तरफ इनकी कोठी वगैरह है सब है वहाँ काला डूंगी में रहने की व्यवस्था चार पाई बिस्तर अभी सब कुछ है वहाँ।